हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये वाला जो हाइबिस्कस आप सब जानते हैं कितनी बढ़िया ब्लूम्स अभी दे रहा है हमें, तो इसके ब्लूम्स पहले काउंट कर लेता हूं फ्रेंड्स। ये पहला फ्लावर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। छः फ्लावर कम्प्लीटली खिल चुके हैं और बहुत सारे बर्ड्स इसके ऊपर अभी रेडी हो रहे हैं। ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है फ्रेंड्स हाइबिस्कस की, जो बहुत सारे फ्लावर्स देता है और बंच में फ्लावर्स देता है। जैसे कि ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, उसके पीछे दो न्यू बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन बर्ड्स साथ में डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये एक तो डेवलप हो चुका है, दूसरे तीन बर्ड यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट हर बार मुझे बहुत सारे बंच में फ्लावरिंग्स देता है और ये जो प्लांट है मेरा कम से कम 3 साल पुराना प्लांट है, तो अभी जाके ये इतनी सारी ब्लूम्स मुझे दे रहा है। तो गार्डनिंग में फ्रेंड्स पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक फ्रेंड्स मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी मेरे हाइबिस्कस देख रहे हैं ये अभी 1 साल पुराने नहीं है। ये जितने भी हाइबिस्कस है वो कम से कम 2 से 3 साल पुराने प्लांट है जो अभी जाके इतने अच्छे ब्लूम्स दे रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा मेरे एक हाइबिस्कस दिखा देता हूँ, ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स अभी दे रहा है। तो इसके फ्लावर्स भी फ्रेंड्स अभी हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 चार फ्लावर्स फ्रेंड्स इसके ऊपर कम्प्लीटली खिल चुके हैं और दूसरे फ्लावरिंग बर्ड्स इसके ऊपर अभी रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारा एक छोटा देसी हाइबिस्कस का प्लांट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्लावरिंग बर्ड्स अभी रेडी हो रहे हैं। तो अभी ये जो महीना है फ्रेंड्स हमारे यहाँ, यानी कि जो नवंबर एंडिंग और दिसंबर का महीना आता है, तब फ्रेंड्स मेरे यहाँ हाइबिस्कस बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करते हैं। अप टू फरवरी मार्च तक फ्रेंड्स ये मुझे बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देंगे। और जितने भी फ्रेंड्स ये जो समर सीजन के भी पौधे हैं, जैसे कि हमारे जो टिकोमा है, ये एक्चुअली फुल सीजन के प्लांट होते हैं जो पूरे साल चलते हैं, और ये प्लांट भी फ्रेंड्स हमें अभी बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे यहाँ जो ठंडी की सीज़न होती है वो बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे नहीं गिरती, जैसे कि दिल्ली वगैरह में होती है, 7 डिग्री 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, तो उतना ठंडा फ्रेंड्स हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ अभी जो रात का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री है और दिन का टेम्परेचर वो 30-32 डिग्री के आसपास है। तो इसीलिए ये जितने भी फ्रेंड्स मेरे जो समर प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मुसेंडा का प्लांट है। अगर आपके यहाँ फ्रेंड्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा हो, 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास फ्रेंड्स टेम्परेचर जा रहा हो, तो बाद में ये जो मुसेंडा का प्लांट है वो डोरमेंसी में जाने की तैयारी कर लेगा। इसके लीव्स येलो हो जाएंगे, प्लांट ओपन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये जो मुसेंडा का प्लांट है वो अभी ब्लूम्स देने की तैयारी कर रहा है। तो क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है फ्रेंड्स प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड और फ्लावरिंग से रिलेटेड। जहाँ तक फ्लावरिंग्स की बात अभी मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैं अपने क्रिसेंथेमम्स को कैसे भूल सकता हूँ। तो आज की स्पेशल जो संडे अपडेट की वीडियो है फ्रेंड्स, मैंने अपने क्रिसेंथेमम्स को डेडिकेट की है, क्योंकि मैंने जो फर्टिलाइजर्स क्रिसेंथेमम के पीछे अप्लाई किए थे दोनों वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था। तो क्रिसेंथेमम्स के जो फर्टिलाइज़र मैंने अप्लाई करने के बाद अभी ये जो मेरे क्रिसेंथेमम्स है वो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स पे आ चुके हैं, जैसे कि देख रहे हैं। तो इसके ऊपर भी फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपको फ्लावरिंग्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स मैं क्रिसेंथेमम्स के ऊपर कुछ ऐसा टारगेट वगैरह रखता नहीं हूँ, मैंने इसको स्पेशल बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं दी है, जैसे कि पूरे दिन की सनलाइट, बाद में रात के वक्त एलईडी बल्ब वगैरह, भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने क्रिसेंथेमम्स के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स ला सकते हैं। लेकिन मैंने एक नॉर्मल प्लांट की तरह ही इसको ट्रीट किया है। इसको जैसे कि अभी जो सुबह की सनलाइट आ रही है, अबाउट 11-12 बजे तक की सनलाइट इसको मिल जाएगी, उसके बाद शेड रहेगा। और फर्टिलाइज़र का जो फ्रेंड्स मैंने शेड्यूल आपको बताया है, वो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल फ्रेंड्स मैंने अभी तक इसके ऊपर कंटिन्यू रखा है, और अभी ये जो प्लांट है मुझे ब्लूम्स देने की तैयारी कर रहा है। अब जैसे ही फ्रेंड्स ये प्लांट मुझे ब्लूम्स देने की तैयारी कर रहा है, तो मेरी एक दूसरी फाइनल अपडेट वीडियो आएगी फर्टिलाइज़र की, कि अभी फ्रेंड्स हमें कौन सा फर्टिलाइज़र क्रिसेंथेमम्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वो वीडियो का। तो ये वीक में फ्रेंड्स वो वीडियो ज़रूर आएगी, कि जैसे ही आपके जो क्रिसेंथेमम्स है कुछ ये हिसाब से फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर ले, तब हमें इसको कौन से फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करने हैं। अब यहाँ पे ये जो क्रिसेंथेमम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स पे आने की तैयारी कर रहा है, छोटे छोटे फ्लावरिंग बर्ड्स इसके ऊपर भी डेवलप हो रहे हैं। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी छोटे छोटे फ्लावरिंग बर्ड्स इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं। तो क्रिसेंथेमम्स भी ब्लूम्स करने की तैयारी अभी हमें दे रहा है। और जैसे कि कोलियस हर बार की तरह फ्रेंड्स मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ, ब्यूटीफुल है
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बंदर फ्रेंड्स बीच में मेरे यहाँ जो बहुत ज़्यादा आते थे, आना कम हो गए, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स बंदर अंदर कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं। तो मे बी बंदर का आने का रास्ता मुझे ये वाला लग रहा है, जैसे कि ये जो ओपन एरिया देख रहे हैं थोड़ा सा, तो मे बी वहाँ से वो अंदर आ रहे हैं। तो मुझे ये वाला एरिया थोड़ा सा फिर से पैक करना होगा। मैं चाहता हूँ कि बंदर मेरे गार्डन के अंदर नहीं घुसे, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे समर स्नो मिनिएचर वेराइटी के रोजेज़ हैं, उसके लीव्स खा खा के वो प्लांट को उसने बहुत डैमेज किया है। तो जैसे कि ये जो देख रही है, ये चमेली के प्लांट है, इसके ऊपर फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत निकल रहे हैं, और ये प्लांट की जो फ्रेग्रेंस आती है बहुत ही अच्छी आती है। ये फ्लावर्स सिर्फ इतने ही फ्लावर्स खिले हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये फ्लावर्स इतनी फ्रेग्रेंस फैलाते हैं कि हम जैसे ही गार्डन में इधर उधर घूमते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस हमें लगती है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट को मैं ऊपर डायरेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारे झूला है, झूले के ऊपर फ्रेंड्स ये सारे हमारे चमेली की बेल को मैं फ्रेंड्स डायरेक्शन दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे थोड़े फ्लावरिंग्स मुझे दिख सके। ये जो हमारे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत अभी चल रहे हैं, कोई प्लांट को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो सनलाइट पसंद नहीं करते, तो अभी विंटर सीजन में मैं इनको सनलाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि ये प्लांट की ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो सके। ये जो मैंने ग्रीन नेट पीछे लगाई है वो मैं अभी इसको कवर नहीं करता, क्योंकि अभी जो सनलाइट आती है वो बहुत ही लाइट सनलाइट आती है, ज़्यादा बर्निंग वाली सनलाइट नहीं आती। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट भी अभी मेरे सही चल रहे हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बेगोनिया का प्लांट है, बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स, अभी ये फ्लावरिंग्स पे आने की तैयारी कर रहा है। ये भी फ्रेंड्स हमारा बेगोनिया का प्लांट है। तो ये दोनों प्लांट फ्रेंड्स अभी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे टोरेनियाज है, टोरेनियाज के ब्लूम्स अभी बहुत ही सुंदर निकल के आ रहे हैं। ये जो देख रहे हैं कितने सारे फ्लावर्स भर भर के इसके ऊपर निकल रहे हैं, तो ये सारे टोरेनियाज की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। टोरेनियाज से रिलेटेड फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके वो पूरी वीडियो आप डिटेल में देख सकते हो कि टोरेनिया के ऊपर इतने सारे फ्लावर्स हम कैसे ला सकते हैं और इसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी अभी बहुत ही सुंदर अभी हमारे यहाँ चल रहा है। जो ड्वार्फ मैरीगोल्ड की जो वेराइटी है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर ठीक से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी ये साल फ्रेंड्स ये ड्वार्फ वेराइटी की जो मैरीगोल्ड की वेराइटी है, ये भी बहुत ही अच्छी चल रही है। इससे रिलेटेड भी फ्रेंड्स वीडियो आने वाली है ये वीक में, तो इसको हम कैसे केयर करें, इसकी ग्रोथ कैसे करें, तो ये सारी डिटेल्स फ्रेंड्स मैं वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे हाइब्रिड टी रोज़ है। अब ये सारे रोज़ फ्रेंड्स अब धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ना इन्होंने स्टार्ट कर लिया है, सारे लीव्स वगैरह निकल चुके हैं। तो अभी ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट आने वाली सीज़न में मे बी दिसंबर के बाद जनवरी महीने से ये मुझे बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेगा। वैसे तो इसने फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी मैं ये प्लांट के ऊपर से ग्रोथ लूँगा। पूरे दिसंबर महीने तक मैं ये प्लांट के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ ले लूँगा, और जनवरी से मार्च अप्रैल महीने तक फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर से फ्लावरिंग्स लूँगा। तो अभी जो सीज़न होती है फ्रेंड्स रोजेज़ की, वो ग्रोइंग सीज़न होती है। अभी हमें जितनी ज़्यादा हो सके हमें अपने रोजेज़ के ऊपर से ग्रोथ ले लेनी है, बजाय फ्लावर्स लेने के। तो अभी आप अपने रोजेज़ को रिपॉट कर सकते हो, नए रोज़ प्लांट ला के आप इसकी ग्रोथ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी आप कर सकते हो, और आपके जो रोज़ प्लांट है वो अपनी ग्रोथ भी बहुत ही ईजिली करना स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी एक छोटा सा रोज़ प्लांट मैं लाया था, उसके ऊपर भी अभी फ्लावरिंग्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। ये प्लांट भी मुझे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए, मैंने फंगीसाइड का पेस्ट लगा दिया है, क्योंकि बीच बीच में सेंटर एरिया में कुछ फंगस वगैरह जो लग रहा था, वो मैंने इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फंगीसाइड का पेस्ट लगा दिया, और ये प्लांट ने अभी नए शूट्स भी निकालना स्टार्ट कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकदम से फ्रेंड्स हमें इसके फ्लावरिंग बर्ड्स कट नहीं करने हैं, प्लांट को फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रोज प्लांट देख रहे हैं, इसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। तो मैं अभी से फ्रेंड्स इसके फ्लावरिंग बर्ड्स पिंच नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर से फ्लावरिंग्स लूँगा, लेकिन फ्लावर्स को पूरे कंप्लीट नहीं होने दूंगा। यानी कि फ्लावर्स जैसे ही वो बड़ा होगा, फ्लावरिंग बर्ड्स जैसे ही वो अपनी साइज बड़ी करेगा, तब फ्रेंड्स वो बर्ड को मैं कट कर लूँगा, और बाद में प्लांट फिर से न्यू बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा। यानी कि जो प्रोसेस होता है प्लांट को बर्ड्स प्रोड्यूस करने की, फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करने की, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करनी है। अगर बर्ड्स जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं और बाद में हम पिंच कर लेंगे उनको, तो बाद में प्लांट बर्ड्स प्रोड्यूस करना बंद कर सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अभी हमें एकदम से छोटे छोटे बर्ड्स को कट नहीं करना है, जो बड़ा बर्ड होता है उसको फ्रेंड्स हम कट कर सकते हैं, ताकि प्लांट फिर से न्यू बर्ड्स प्रोड्यूस करेगा। तो वो साइकिल को फ्रेंड्स हमें मेंटेन रखना है।
यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट हमने सिंडर में ग्रो किया था। लास्ट संडे को फ्रेंड्स मैंने बताया था ये प्लांट मैंने सिंडर के ग्रो किया था, लेकिन फ्रेंड्स इसके लीव्स येलो होके गिर गए, मे बी रिपोर्टिंग शॉक की वजह से। लेकिन बाद में मैंने ये प्लांट के ऊपर देखा तो ये प्लांट की ग्रोथ अभी बहुत ही अच्छी स्टार्ट कर ली है, जैसे कि देख रहे हैं न्यू शूट्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं प्लांट के। तो फिर से फ्रेंड्स अबाउट 15-20 दिन के अंदर अंदर ये प्लांट के ऊपर सारे नए लीव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंडर में एक चीज़ तो फ्रेंड्स कन्फर्म हो चुकी है कि सिंडर में प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, लेकिन वाटरिंग का इश्यू बहुत है। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हो ये ट्रे के अंदर पानी पड़ा हुआ है। अब मेरे एक व्यूअर ने फ्रेंड्स मुझे मैसेज किया था कि हम अगर ट्रे में पानी डाल दें और पॉट को सीधा ट्रे के अंदर हम रख ले तो क्या वो सही रहेगा। तो ये टोटली गलत रहेगा अगर आपने प्लांट को सिंडर में ग्रो किया है, क्योंकि सिंडर कभी भी पानी अंदर सक नहीं करता। जैसे ही फ्रेंड्स आप पॉट को ये ट्रे के अंदर डालोगे तो पानी तो सीधा अंदर रूट सिस्टम के पास चला जाएगा और वहाँ पे खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम है वो गल सकते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए, प्लांट को फ्रेंड्स स्टैंड के ऊपर रखिए, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने रखा हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसे स्टैंड या तो ऊंची चीज़ के ऊपर रख लीजिए और बाद में प्लांट को वाटरिंग कीजिए। जैसे ही पानी डालोगे तो सीधा पानी फ्रेंड्स ये ट्रे के अंदर जमा हो जाएगा, और फिर से फ्रेंड्स आप दोपहर के वक्त अगर इसको वाटरिंग करने वाले हो तो ये ही ट्रे का पानी फ्रेंड्स आपको फिर से ये सिंडर के अंदर डाल देना है। यानी कि पानी की बचत होगी, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि सिंडर में अगर आपने प्लांट को लगाया है तो दिन में 2 से 3 बार आपको पानी देना ही देना होगा। क्योंकि मैं तो 3 बार देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है और सनलाइट भी प्लांट को डायरेक्ट मिल रही है, इसलिए फ्रेंड्स मुझे 3 बार पानी देना पड़ता है। तो जैसे ही मैं पानी देता हूँ इसके अंदर निकल जाता है पानी, और वही पानी मैं कलेक्ट करके फिर से इसको डाल देता हूँ। यानी कि पानी की बचत तो हमें करनी ही है, भले कुछ भी हो जाए, आप सिंडर में ग्रो कीजिए या तो मिट्टी में ग्रो कीजिए। सिंडर से रिलेटेड फ्रेंड्स मेरी एक वीडियो मौजूद है, तो वो वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि प्लांट को हम सिंडर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, सिंडर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, सिंडर हम कहाँ से ले सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स फ्रेंड्स मैंने वो वीडियो में शेयर की है, और जो रोज़ प्लांट फ्रेंड्स मैंने सिंडर में ग्रो किए हैं वो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स मैं खुद एक्सपीरियंस कर लूँ कि कौन कौन से तरीके से फ्रेंड्स मैं सिंडर में ग्रोथ ला सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे गार्डन में हो रही है, जो मैंने अभी आपके साथ अपडेट की। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।